हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ थैथरिंग ऑप्शन है तो ब्लूटूथ थैथरिंग ऑप्शन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो जो हमारा ब्लूटूथ थैथरिंग ऑप्शन है तो ब्लूटूथ थैथरिंग ऑप्शन को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है ब्लूटूथ थैथरिंग। तो हम सर्च कर देते हैं, तो हमने सर्च कर लिया तो यहाँ पर शो हो जाएगी इस पर हमारी जो हमारा ऑप्शन है। तो जैसे आप इसको यहाँ से ऑन करते हैं तो आप किसी भी शेयर फ़ोन किसी भी अदर्स फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। और साथ में जैसे इसको ऑफ़ कर देते हैं आप किसी भी अदर्स फ़ोन में ब्लूटूथ के जरिए इंटरनेट वगैरह नहीं चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लूटूथ ऑप्शन को ब्लूटूथ थैथरिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ में जैसे आपको ब्लूटूथ थैथरिंग सेटिंग्स नहीं मिलती है तो सिंपल आप फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आइकन शो हो रहे हैं, तो इसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको क्लिक कर देना होगा सेटिंग्स आइकन पे। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारा ब्लूटूथ थैथरिंग ऑप्शन है इसको आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो सिंपली आपके हमारे पास ये सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सर्च कर लेना है अपनी फ़ोन सेटिंग्स पे। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा हॉटस्पॉट थैथरिंग, जिसमें से आपको ब्लूटूथ थैथरिंग ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑन करते ही आप किसी भी फ़ोन अदर्स फ़ोन में शेयर कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन को और इंटरनेट चला सकते हैं। और साथ में इसको ऑफ़ करेंगे तो ऑफ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्लूटूथ थैथरिंग ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।